तो गाइस अगर बीच बाई के अंदर अगर आपको ये वाला जो कार्ड है जो कि आप सभी लोग देख सकते हो कि ये वाला जो कार्ड है अगर आपको किसी को भेजना होगा तो आपको 50 यूसी का परचेस करना होता है। लेकिन अगर आपको बीच बाई के अंदर एक ऐसी हिडन प्लेस है जहां से ये वाला कार्ड बिल्कुल फ्री में मिल रहा है और ना जाने क्या क्या चीजें वहां से फ्री में मिले, मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप लोग को दिखाऊंगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर देना एंड अगर ये चीज आपको नहीं पता थी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं ऐसी ऐसी चीजें लाता रहता हूँ। सर बीजीएमआई के अंदर आप सभी लोगों को पता है कि 3.1.0 अपडेट के बाद वाव मोड देखने को मिल चुका है। नो डाउट वाव मोड पहले खराब सा लगता था, अब यार इतने सारे मोड आ चुके हैं कि मतलब बंदे दिन भर इसको खेलते रहते हैं, इसमें एक से बढ़कर एक मोड आता है। और एक चीज ये भी कहे बीजीएमआई की चीज मुझे अच्छी लग रही है कि यह बैक टू बैक न्यू मोड एड कर देता है, जिससे मतलब अगर आप एक मोड खेल के बोर होते तो आपके पास दूसरा भी ऑप्शन रहता है कि आप वो वाला मोड खेल पाओगे। तो यार ये चीज काफी ज्यादा सही लगी। पर गाइस फिर भी बहुत सारे लोग इसको नहीं खेलते हैं, बीजीएमआई के आधे बंदे नहीं खेलते इसको। लेकिन बीजीएमआई भी इस चीज को और बड़ा करते हुए एक चीज और भी ऐड कर देता है इसके अंदर, वो था वंडर सीजन। ठीक है, वंडर सीजन में क्या है कि इसके अंदर आप सभी लोग को नॉर्मल चीजें देखने को मिलती है। लास्ट में जाके आप सभी लोग को जब आप गोल्ड पे आ जाओगे जिसके इसका गोल्ड होता है तो उसके अंदर आपको एक फ्रेम देखने को मिलता है। फिर भी लोगों ने इसको नहीं खेला। लेकिन अब मैं आपको जो चीज बताने वाला हूं ना उसको देखिए, अब सभी बंदे इसको वाव मोड को जरूर खेलेंगे और मिशन कंप्लीट करेंगे। जैसे आपको वाव मोड दिखे तो आपको इस पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे गाइस आपका स्टैटिक्स आता है, बोले तो यार आपका जैसे क्लासिक मोड का स्टैटिक्स आता है, आपका टीडीएम ग्राउंड का स्टैटिक्स आता है, इसी तरीके से आता है वाव मोड का। ठीक है, अब वाव मोड में आप सभी लोग देख सकते हो कि मैंने कितना खेला है, टोटल प्ले हवर है 30 घंटे। ठीक है, बोले तो कम, बहुत ज्यादा मैंने खेला है इसको। एंड टाइम प्लेट कितना 327। ठीक है, तो रिसेंटली प्लेट काउंट 48 है, मतलब मैं आजकल में जो खेला हूं तो वो 48 है। ठीक है, अभी गाइस सर आप सोचो कि यार इसमें क्या चीज है। ओके गाइस मैंने यहां पे फ्रेम एडजस्ट कर दिया। अभी गाइस मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहली चीज आप सभी लोग को यहां पे देख सकते हो कि सबसे पहले मेरा लेवल जो अनलॉक हुआ था वो था 1-10 लेवल अनलॉक। ठीक है, जिसके अंदर आप सभी लोग को नॉर्मल चीजें देखने को मिल रही थी। आप सभी लोग का मोस्ट ऑफ बंदे का बस यही लेवल 10 ही अनलॉक होगा। तो जैसे मेरा लेवल 10 मैंने कंप्लीट करा है उसके बाद मेरा क्या लेवल अनलॉक होता है, लेवल 20। ठीक है, अब 11-20 अनलॉक होता है एंड मैं क्या देखता हूं कि सब में तो सप्लाई क्रेट भी मिल रहा है एंड मुझे यहां पे बीपी कॉइन भी मिल रही है एंड गाइस एंड में जाके मुझे ये वाला कार्ड मिल रहा है, गोल्ड बैंक नोट। ठीक है, अब गाइस सर आपको पता है ना ये कार्ड मैंने आपको दिखाया था कि 50 यूसी का होता है। यही सेम कार्ड आपको 50 यूसी का अगर आपको किसी को सेंड करना होगा तो 50 यूसी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब ये जो कार्ड है जो कि मैंने अभी जस्ट आपको दिखाया है वो कार्ड आप लोग को फ्री में मिल रहा है। बस कैसे मिल रहा है वो आपको बता देता हूं कि ये जो कार्ड है इसमें क्या है कि आपको जो वॉ मोड का है उसको लेवल को इंक्रीज करना है। ठीक है, अब आपको बताता हूं कि इसका लेवल कैसे इंक्रीज कर सकते हो। और एक चीज और भी है कि अभी ये देख सकते हो कि अभी मेरा ये यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे दिखाया गया नॉट अनलॉक्ड, मतलब कि जब मेरा लेवल 20 हो जाएगा तो लेवल 21 से लेकर लेवल 30 तक कुछ और नई चीजें अनलॉक होगी और हो सकता है कि उसके अंदर कुछ बड़ी पॉपुलरिटी वगैरह हो सकती है या कुछ अलग चीज हो सकती है, वो तो मेरा अभी अनलॉक नहीं हुआ। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि देखो अभी से अगर आप करोगे तो आप मेरे साथ साथ सारी चीजें अनलॉक कर सकते हो, तो इसलिए मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। नहीं तो मैंने सोचा था कि पूरा अनलॉक करके बनाऊंगा तब तक बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए मैं अभी वीडियो बना दे रहा हूँ। फिलहाल अभी मैं खेल ही रहा हूँ, अपना कंप्लीट करूंगा लेवल और जैसे लेवल 21-30 अनलॉक हो जाएगा तो देखेंगे कि उसमें क्या निकलेगा, उसके बाद और भी आगे चल के क्या निकलता है। बेसिकली जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि बीजीएमआई में आपको पता है कि हर लेवल पे आपको चीजें मिलती है, जैसा भी इसमें भी हो सकता है कि ऐसे हम लोग को चीजें देखने को मिलती रहेगी, जैसे 83 लेवल पे क्या है, 84 लेवल पे क्या है, 85 लेवल पे क्या है, 86 लेवल पे। बीजीएमआई का तो नॉर्मल चीज है, कुछ ज्यादा खास नहीं है। फिलहाल हम कहां पे थे कि इस लेवल को कैसे इंक्रीज करना है। ठीक है, तो उसके लिए चाहिए होंगे आपको ईएक्सपी। जैसे मेरा लेवल कितना है, ओके लेवल 15 मेरा कंप्लीट है, लेवल 16 पे चल रहा हूं। ठीक है, तो अगर मुझे लेवल 15 को कंप्लीट करके लेवल 16 पे पहुंचना है तो मुझे चाहिए होंगे 195 ईएक्सपी। अब वॉ मोड का जो लेवल है उसको आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो मैं आपको बताता हूं। देखो गाइस सबसे पहली चीज है आपको डेली मिशन देखने को मिलते हैं, इन मिशन बहुत ज्यादा इजी होता है कंप्लीट करना। देखो जैसा कि मिशन में लिखा है प्ले वर्ल्ड ऑफ वंडर क्रिएशन फॉर 15 मिनट, नॉर्मली वॉ मोड खेलना है आपको 15 मिनट जो कि आप सभी लोग खेलोगे। उसके बाद लिखा है फिनिश प्लेइंग अ क्रिएशन विद द एस्केप रूम वन टैग। ठीक है, अब चलो मान लो कि आपको ये खोजने में आपको टाइम लगेगा ये एस्केप रूम क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ बहुत सिंपल है, जो आपका उसमें लिखा रहेगा
तो वो आप लोग को यहाँ पे जैसे कि ई एस्केप रूम नहीं मुझे नहीं मिल रहा था, मैं कहाँ से खोजता, तो मैंने क्या कर यहाँ पे लिख दिया ई एस्केप रूम एंड देन मेरे सामने ये वाला मोड आ गया। ठीक है, अब ये वाला मोड ई एस्केप रूम होता है। अब गाइस जैसा कि कोई अगर मिशन ऐसा आता है कि जो कंप्लीट नहीं आता है, आपको समझ में नहीं आता है, तो बेसिकली मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे कि बीच में कहता नॉर्मली लेवल बढ़ाने के लिए ये मिलता है ना, वैसे इसमें भी ऐसे ही मिलता रहेगा। ठीक है, अभी मेरा कंप्लीट कोई नहीं है, मैं आपको कंप्लीट दिखाता। ठीक है, उसके बाद नीचे लिखा है शेयर अ क्रिएशन कलेक्शन वन टाइम। ठीक है, तो जो क्रिएशन है उसको आपको शेयर करना है किसी भी बंदों को, तो आपका हो जाएगा। ठीक है, वो बेसिकली बहुत सिंपल तरीके से आप शेयर कर सकते हो। यहाँ पे एरो दिखेगी, यहाँ पे आपको कुछ भी लिख देना है, आपको या तो ओके कर देना, बिना लिखे ओके नहीं होगा, या भी लिख नहीं सकता, मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अपने किसी फ्रेंड को शेयर कर देना एंड आपका ये वाला काउंट हो जाएगा। ठीक है, कल आपको डेली यहाँ पे 80 EXP मिलती रहेगी। और आपको देखो लेवल बढ़ाने के लिए ज्यादा EXP की जरूरत तो नहीं है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि सिर्फ 195 चाहिए, तो मुझे 1 से 2 दिन और लगेगा, 1 से 2 दिन नहीं, एक ही दिन लगेगा, मेरा लेवल 16 कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं जल्दी से जल्दी आपको बता दूं कि लेवल कंप्लीट करता रहूंगा एंड जो चीजें मुझे मिलती रहेगी मैं लेता रहूंगा। तो गाइस सर आप लोग भी जाओ फटाफट से, बस ये वाला मिशन कंप्लीट कर लिया करो, बहुत इजी मिशन आते हैं, 2 से 3 मिनट लगता ही है आराम से कंप्लीट, 2 से 3 मिनट नहीं 15 मिनट ज्यादा लगता है, 15-20 मिनट लगेगा, आराम से कंप्लीट कर सकते हो। तो चलो गाइस ये था इस वीडियो में, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। और आपको क्या ये चीज पता थी, नहीं पता थी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर पता थी तो अच्छी बात है, नहीं पता थी तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों तक।